ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं।
सरस्वती व्यासं सरस्वती ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके हरे कृष्णा आप सबका स्वागत हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी बना दीजिए प्रभु जी मुझे कोष्ट बना दीजिए हरे कृष्णा प्रभु जी रश्मि माता जी को कोष्ट बना दीजिए प्रभु जी हाँ बना माता जी आपने आज रश्मि लिखा हुआ है इसके लिए शायद एक्चुअली मैं कहीं सफर में हूँ लेकिन मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ तो हाँ नहीं माता जी इसलिए मिस हुआ कोई बात नहीं है धन्यवाद प्रभु एक आप सबसे निवेदन ये है कि हमारे अटेंडेंस कम होती जा रही है ये क्योंकि आप जो को-होस्ट हैं आपको पता है कौन कौन नहीं आ रहे हैं उनसे कांटेक्ट करिए क्यों नहीं आ रहे एक एक हर्षा माता जी जी प्रभु जी संदीप प्रभु नहीं आ रहे हैं ये जी प्रभु जी उन्होंने कहा नहीं आपसे बात हुई है उनकी सुबह को ऑफिस की वजह से माला करनी कंप्लीट होनी होती है अगर सुबह को माला नहीं होती है तो उनकी माला रह जाती है तो उसके कारण हाँ ये उनके नहीं बात किया था नहीं नहीं मुझे क्यों अटपटा लग रहा है इस बात पर क्योंकि वो सैटरडे संडे को भी नहीं आ रहे मैं बात करती हूँ प्रभु जी उनसे हाँ आपकी बात हो नहीं तो मैं बात करूंगा अगर जी जी आपकी बिल्कुल बात ना हो क्योंकि क्लास के लिए उनकी अभिलाषा कम हो गई है मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा बात होता करती है हूँ कभी कभी किसी के क्योंकि अगर अभिलाषा है तो सैटरडे संडे को तो जरूर आना चाहिए पूरी इच्छा से तो उन्होंने कहा था मुझे कि मेरी मालाएं नहीं हो पाती हैं इसलिए मैंने उनसे कहा कि माला के लिए क्लास छोड़ना गलत लेकिन अगर आप ऐसे उन्होंने कहा मैं शाम को सुनता हूँ क्यों आपको एक चीज मैं बता दूं कि आदमी सुनता कभी नहीं अगर आपको ये कहा जाए कि ये इसमें क्लास रिकॉर्डेड है सुनो नहीं सुनेगा क्योंकि उसके तो माला ही नहीं हुई है और दूसरा भौतिक जगत में इतने काम होते हैं आदमी उलझ जाता उन कामों से ये काम सेकेंडरी हो जाता भक्ति का काम सबसे सर्वोपरि है ये हम भूल जाते हैं तो मैं भी बात करूंगा आप जरा अपने लेवल पर बात करिए तो लेकिन क्योंकि वो सैटरडे संडे भी नहीं आ रहा मैं नोट कर रहा हूँ इस चीज को जी ऐसा प्रभु जी एक भक्त का इवनिंग क्लास में हुआ था मैं बहुत लंबी रोक दिया माता जी मैंने उनको कहा कोई बात नहीं आप ऐसा करो कि प्रभु मैं ऐसा हो रहा है ये हो रहा है तो ये दिक्कत है ये दिक्कत है मैंने कहा इसको संभाल लो आप कम से कम माला जपते रहो वो झूठ बोलते रहे मेरे को क्योंकि ऐसा है जब आदमी झूठ बोलने पर आ जाता है तो फिर बहुत गड़बड़ होता है फिर मैंने उनको कहा कि आपको कोई जरूरत नहीं है आप जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं कोई बंधन थोड़ी है ऐसा नहीं है लेकिन आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि ये क्लास मॉर्निंग की क्लास में हमारी अटेंडेंस बहुत अच्छी होती है इवनिंग क्लास की कम है लेकिन स्टेबल है फिक्स है 60 तक जाती है 50 और 60 के बीच में रहती है लेकिन ये क्लास तो हमारी 80 से भी एक्सीड कर जाती थी अभी कल मैं दंग रह गया हमारी अटेंडेंस 40 के करीब थी 40-42 तो जितने भी को-होस्ट हैं आपको पता हुआ है कि ये लोग आपके अंडर हैं उनको रिक्वेस्ट करिए क्लास में आए तो अटेंडेंस अच्छी हो तो अच्छा लगता है और
ऐसा भी नहीं है कि भागवतम में कोई इतनी अच्छी कथाएं चल रही हैं और कोई सुनना चाहेगा, तो आप कोशिश करिए। हरे कृष्णा। तो हरे मदन जी, हमने 10 श्लोक कल पढ़ लिए थे, अब जी प्रभु जी, ये पढ़वाइए तो किसी से। हरे हरे कृष्ण रीटा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अध्याय 9 अंशुमान की वंशावली। इस अध्याय में अंशुमान से खटवांग तक का इतिहास दिया गया है और यह भी बतलाया गया है कि भागीरथ किस तरह इस धरती पर गंगा जी को लाए। महाराज अंशुमान का पुत्र दिलीप था जिसने गंगा को इस जगत में लाने का प्रयास किया, किंतु वह बिना सफलता के चल बसा। दिलीप के बेटे भागीरथ ने गंगा को इस जगत में लाने का दृढ़ संकल्प किया, जिसके लिए उसे कठोर तपस्या करनी पड़ी। माता गंगा उसकी तपस्या से पूर्णतः संतुष्ट हुई तो उन्होंने उसे दर्शन दिया और वर देना चाहा। तब भागीरथ ने उनसे अपने पितरों का उद्धार करने की प्रार्थना की। माता गंगा ने पृथ्वी पर आने के लिए दो शर्तें रखी। एक तो यह कि उनकी तरंगों का वश में करने वाला कोई उपयुक्त पुरुष हो, और दूसरी यह कि सारे पापी गंगा में स्नान करके अपने पाप कर्मों के फलों से तो मुक्त हो जाएंगे, किंतु माता गंगा उन सब के पाप कर्मों के फलों को अपने अंदर रखना नहीं चाहती थी। इन दोनों शर्तों पर विचार किया जाना था। भागीरथ ने माता गंगा से कहा, शिव जी अपने आपके जल की लहरों को पूरी तरह वश में कर सकेंगे, और जब शुद्ध भक्तगण आपके जल में स्नान करेंगे तो पापियों द्वारा छोड़े गए पापों के फलों का निराकरण हो जाएगा। तत्पश्चात भगीरथ ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। शिव जी आशुतोष कहलाते हैं क्योंकि वे सरलता से प्रसन्न किए जा सकते हैं। शिव जी ने गंगा के वेग को रोकने का भगीरथ का प्रस्ताव मान लिया। इस तरह गंगा के स्पर्श मात्र से भगीरथ के पूर्वज तर गए और स्वर्ग लोक को चले गए। भगीरथ का पुत्र श्रुत था, श्रुत का पुत्र नाभ और नाभ का पुत्र सिंधु द्वीप हुआ, उसका पुत्र अयुतायु हुआ, जिसका पुत्र ऋतुपूर्ण था जो नल का मित्र था। ऋतुपूर्ण ने ही नल को द्युत विद्या सिखलाई और उससे अश्व विद्या सीखी। ऋतुपूर्ण का पुत्र सर्वकाम, सर्वकाम का पुत्र सुदास और सुदास का पुत्र सौदास हुआ। सौदास की पत्नी का नाम दमयंती या मदयंती था। सौदास का अन्य नाम कल्माषपाद था। उसके सकाम कर्मों में किसी त्रुटि के कारण मुनि वशिष्ठ ने उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया था। एक जंगल में से गुजरते हुए उसने एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी को संभोगरत देखा। क्योंकि वह राक्षस बन चुका था, अतः उसने उस ब्राह्मण को खा जाना चाहा। यद्यपि ब्राह्मण पत्नी ने सौदास से बहुत अनुनय विनय की, किंतु वह ब्राह्मण को खा गया। फलतः उसकी पत्नी ने उस राक्षस को श्राप दिया, तुम संभोगरत होते ही मर जाओगे। इस तरह 12 वर्ष बाद मुनि वशिष्ठ के श्राप से मुक्त होने पर भी सौदास निसंतान रहा। तब सौदास की अनुमति से मुनि वशिष्ठ ने उनकी पत्नी मदयंती को गर्भवती बनाया, किंतु जब वर्षों गर्भ धारण करते रहने पर भी मदयंती के संतान नहीं हुई तो मुनि वशिष्ठ ने उनके उदर पर पत्थर से प्रहार किया। इस प्रकार एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अश्मक। अश्मक का पुत्र बालिक कहलाया। वह परशुराम के शाप से इसलिए बच गया क्योंकि वह अनेक स्त्रियों से घिरा हुआ था, इसलिए वह नारी कवच भी कहलाता है। जब सारा जगत क्षत्रिय विहीन हो गया था तो उससे अनेक क्षत्रियों को जन्म दिया, इसलिए वह कभी कभी मूलक भी कहलाता है। बालिक का पुत्र दशरथ हुआ और दशरथ का पुत्र एडविडी हुआ, जिसका पुत्र विश्वसाह हुआ। इसी विश्वसाह के पुत्र रूप में महाराज खटवांग हुए। उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर असुरों से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। फलतः देवताओं ने उन्हें वर देना चाहा। इस पर उन्होंने पूछा कि वे कितने काल तक जीवित रहेंगे, और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका जीवन कुछ ही क्षण बाकी है तो वे स्वर्ग छोड़कर विमान से अपने धाम चले आए। वे ये समझ गए कि इस जगत की हर वस्तु तुच्छ है,
अतः मैं पूरी तरह से भगवान हरि की पूजा में लग गए। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपको ये लग रहा होगा कि इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसका पुत्र क्यों क्यों बता रहे हैं ये सुखमणि। सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं उन्होंने बताना था खटवांग महाराज, खटवांग का बार बार जिक्र आता है कि ये थे 2 मिनट शायद बचे थे इनके पास, तुरंत आए आप भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया, वैकुंठ चले गए। प्रभुपाद भी खटवांग का उदाहरण देते थे, खटवांग महाराज तो इसलिए वर्णन आया। अब जो इतने वंशज बताए गए ये ऊपर जो आपने देखा कि अंशुमान, अंशुमान की वंशावली क्यों, क्योंकि भगीरथ को जाना है, भगीरथ तक आना है, उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि गंगा आ गई उसके बाद उनके पुत्रों का वर्णन आया, क्योंकि खटवांग महाराज की बात करनी थी जो भागवतम में बहुत अच्छी कथा है खटवांग महाराज की, तो इसलिए ये वर्णन हुआ है। अब इसी को एक एक करके श्लोकों से सुनते हैं। श्री शुक वाचा अंशुमान च तपहते ते गंगा आयनन गंगा आनयन काम्यया कालम महांतम न अशक तो अशक्नोत कालेन संसितः, ततः कालेन संसितः, क्योंकि डबल त है तो एक तो अशक्नोत के साथ एक ततः के साथ। मेरे साथ पढ़िए श्री शुक उवाच। श्री अंशुमान शुक अंशुमान च तपह ते पे अंशुमान गंगा आनयन काम्यया कालम गंगा महांतम न अशक्नोत, ततः कालेन संस्थितः, शब्दार्थ शब्दार्थ है श्री शुका वाचा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अंशुमान, अंशुमान राजा ने जब भी तपह पे तपस्या की, ये अंशुमान किसके पुत्र थे, सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र थे। सगर के पुत्र 60,000 तो भस्म हो गए, दूसरी पत्नी से असमंजस पैदा हुआ, असमंजस के पुत्र थे अंशुमान, और बहुत विवेक वाले जो कपिल मुनि के पास गए थे, आपको याद होगा कपिल मुनि ने कहा कि उसके व्यवहार से उसने दंडवत किया, परिक्रमा की, और उनसे कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे ये जो पूर्वज भस्म हुए खाली गंगा से इनका तारण हो सकता है। तो ये कथा तब चल रही, अब गंगा को पृथ्वी पर लाना है। तो अंशुमान, अंशुमान राजा ने जब भी तपहते हुए तपस्या की, गंगा नदी आनियन काम्या अपने पूर्वज का उद्धार करने लिए गंगा को इस भौतिक लाने की इच्छा से तपस्या की, कालम काल महानतम दीर्घ काल तक ना नहीं अशक्नो सफल हुआ, तथा तत्पश्चात कालीन समय आने पर संचता मर गया। मेरे साथ बोले सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, राजा राजा अंशुमान ने अंशुमान ने अपने पिता मह की तरह, अपने अपने पितामह पितामह, उन्हें पितामह सगर, सगर है पितामह, दादा बाबा, दीर्घ काल तक तपस्या की, तपस्या तो की भी वो गंगा नदी को तो भी वो इस गंगा भौतिक जगत में न ला सका, नदी को इस भौतिक और उसके बाद कालक्रम में जगत उसका देहांत हो गया। में ला उसका देहांत हो गया सकता हाँ, और अंशुमान का पुत्र दिलीप पर ट्राई करता है,
तत्सुतः तद्वत् अशक्तः कालम् एवं भागीरथः तस्य सुतः ते शाश्वतः ते पेशा समभूत तपः। मेरे साथ दिलीपः दिलीप तत्सुत तद्बात अशक्तः कालम् एवं अशक्त भागीरथ भगीरथः तस्य सुतः सुतः ते पेश सुमहत्तपः। शब्दार्थ है दिलीपः दिलीप तत्सुतः अंशुमान का पुत्र तत्पर अपने पिता की भांति अशक्त गंगा को इस जगत में ला सकते हैं असमर्थ कालम एवान काल का शिकार हुआ मर गया। भागीरथ तस्य सुतः दिलीप का पुत्र भागीरथ उसके पुत्र भागीरथ ने देवे तपस्या की सह वह सुमहत बहुत बड़ी तपस्या की तपह तपस्या। मेरे साथ बड़े अंशुमान की भांति अंशुमान की भांति उसका पुत्र दिलीप भी उसका पुत्र गंगा को इस भौतिक जगत में लाने में असमर्थ रहा गंगा को और रहा काल क्रम में उसकी भी मृत्यु हो गई। और काल क्रम में तत्पश्चात उसकी दिलीप के पुत्र तत्पश्चात दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा को इस भौतिक जगत में लाने के लिए इस भौतिक जगत में लाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। अत्यंत कठिन तपस्या की। दर्श्याम आसतम देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते इति उक्तः स्वम् अभिप्रायम् सशंस अवनतो नृपः। मेरे साथ दर्श्याम आसतम देवी दर्शयाम आसतम देवी दर्शन दे दिए माँ माने गंगा ने दर्शन दिए प्रसन्ना वरदास्मि प्रसन्ना ते उक्तः स्वम् अभिप्रायम् शंस अवनतो नृपः। शब्दार्थ है दर्श्याम आस प्रकट भी तम उसको गिरत को देवी माता गंगा प्रसन्ना अत्यंत प्रसन्न होकर इतनी तपस्या की भगीरथ ने। सुनिए वरदा अस्मि मैं वर दूंगी क्या चाहिए बोल भगीरथ को ते तुमको इति उक्ता इस प्रकार संबोधित करके स्वम अपनी अभिप्राय इच्छा संस सब बताई। अवनतः आदर पूर्वक झुक कर प्रणाम करके राजा भगीरथ ने मेरे साथ तत्पश्चात माता गंगा तत्पश्चात माता गंगा राजा राजा भगीरथ के समक्ष प्रकट होकर बोली। राजा भगीरथ के राजा समक्ष समक्ष होकर बोली मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ प्रसन्न हूं अत्यधिक अत्यधिक प्रसन्न प्रसन्न हूँ और तुम्हें मुंह मांगा वर देने को तैयार हूं। और तुम्हें मुंह मांगा वर देने को तैयार हूं। गंगा देवी द्वारा गंगा देवी द्वारा इस प्रकार संबोधित हुए राजा ने इस प्रकार संबोधित हुए राजा ने यानी भगीरथ ने उनके समक्ष अपना सिर झुकाया के समक्ष अपना सिर झुकाया और अपना मंतव्य बताया और और अपना अपना मंतव्य मंतव्य बताया। बताया। हाँ तात्पर्य छोटा है मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की है। राजा का मंतव्य अपने उन पूर्वजों का उद्धार करना था जो कपिल मुनि का अनादर करने के कारण भस्म हो गए थे।
को अपि धारिता वेगम पत्यंता मे मही तले अन्यथा भूतलम भित्वा निर्पया यासे रसातलम। मेरे साथ पढ़िए, को अपि धारिता वेगम कोऽपि धारयिता वेगम पतन्त्या मे महीतले अन्यथा भूतलं भित्वा निर्पयासे रसातलम्। शब्दार्थ है कह कौन, वह कौन व्यक्ति है अभी निसंदेह धारिता धारण कर सकता है बेगम तरंगों के वेग को, इतनी जोर से आएगी ऊपर से तो स्वर्ग से होते हुए आती गंगा तो आएगी तो क्या होगा, धरातल को छेद करके नीचे निकल जाएगी, इसलिए कोई चाहिए जो उसको अपने उस वेग को रोके। पतंता नीचे गिरती हुई मेरे महीतले पृथ्वी पर अन्यथा अन्यथा भूतलम पृथ्वी की सतह भित्वा भेद कर निर्प हे राजा या से नीचे चली जाऊंगी रसातलम पाताल। मेरे साथ पढ़े, माता गंगा ने उत्तर दिया, जब मैं आकाश से पृथ्वी के धरातल पर गिरूंगी तो मेरा जल अत्यंत वेगवान होगा, उस वेग को कौन धारण कर सकेगा, यदि कोई मुझे धारण नहीं करेगा तो मैं पृथ्वी की सतह को भेद कर रसातल में अर्थात ब्रह्मांड के पाताल क्षेत्र में चली जाऊंगी, ब्रह्मांड के पाताल क्षेत्र में चली जाऊंगी। हाँ तुम बताओ ये कैसे रुकेगी, ये बताए किम चाहम न भूम या से नरा मई आम्रतंति अगम मृजामि अगम वहम राजन तत्र विचिन्तताम। मेरे साथ किम चाहम न भुवम यासे नरा मई आम्रतं आम्रतंति अगम नरामयी आम्रजन्ति अहम् फिर गलती फिर गलती नरामयी आम्रजन्ति अहम् व्रजामि तद् अघम् क्वाहम् राजन तत्र विचिन्तताम् शब्दार्थ है किम च भी अहम् मैं न नहीं भुवम पृथ्वी लोक को या से जाऊंगी नरा लोक भाई मुझमें मेरे जल में आम्र जन्ति होते हैं अघम पाप कर्मों के फल व्रजामि दोषकों तत्व अगम पाप कर्मों के फलों का संग्रह वह किसको अहम मैं राजन हे राजा तत्र इस बात पर विचिन्तताम ध्यान से विचार करके निर्णय करो। एक तो बात यह है कि मैं मेरी धारा इतनी प्रबल होगी कि कोई उसको रोकने वाला चाहिए पृथ्वी लोक में, नहीं तो मैं रसातल में चले जाऊं। दूसरा लोग अपने पाप कर्मों को धोने के लिए आएंगे मुझ में, मैं इतना पाप कर्म अपने में नहीं लेना चाहती, ये दो 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 कारण है, इनको इनका तुम कोई ढूंढो निराधान इसका करो तो मैं आ सकती हूँ नहीं तो मैं नहीं आ सकती, ये दो कंडीशन रखी माँ गंगा ने। हे राजा हे राजा
मैं पृथ्वी लोक पर नहीं उतरना चाहती, मैं पृथ्वी पृथ्वी लोक लोक पर पर नहीं नहीं उतरना उतरना चाहती, चाहती क्योंकि सभी लोग अपने पाप कर्मों के फलों को, क्योंकि क्योंकि उनकी सभी सभी लोग अपने पाप कर्मों के फलों को को धोने होने के लिए मुझ में स्नान करेंगे, धोने के लिए मुझमें स्नान करेंगे। करेंगे। हाँ, आप जाते ही इसलिए हैं, आप गंगा में डुबकी लगाए, आपका हमारे पाप कर्म धुल गए। जब ये सारे पाप कर्म के फल मुझमें एकत्र हो जाएंगे, जब जब ये ये सारे पाप कर्मों के फल मुझमें एकत्र हो जाएंगे, तो मैं उनसे किस तरह मुक्त हो सकूंगी, तो तो मैं उनसे मैं किस उनसे तरह मुक्त किस तरह करूंगी। हो सकूंगी। तुम इस पर ध्यान पूर्वक विचार करो। तुम इस पर तुम इस ध्यान पर पूर्वक ध्यान विचार करो। पूर्वक विचार करो। हाँ, इतने पापों को लिए मैं कहाँ फिरूंगी, गंगा ये कह रही है। बात बिल्कुल सही है, दोनों कंडीशन बड़े सत्य हैं, दोनों तात्पर्य मात्र है। हरे कृष्ण रीटा पंडित माता जी। अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा स्वयं भगवान का कथन है, भगवत गीता 18.66। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान किसी भी व्यक्ति के पापों के फलों को ग्रहण करके उनका निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि वे सूर्य के समान पवित्र हैं, जो कभी भी संसारिक स्पर्श से दूषित नहीं होता। तेजी यसाम न दोषाय वय सर्वभूजो यथा। भागवतम 10.33.29। जो अत्यंत शक्तिमान है वह किसी पाप कर्म से दूषित नहीं होता, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि माता गंगा उन लोगों के पाप से बोझिल होने से भयभीत हैं जो गंगा जल में स्नान करेंगे। इससे सूचित होता है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति अपने या अन्यों के पाप कर्मों के फलों को दूर करने में समर्थ नहीं है। कभी कभी गुरु को शिष्य बनाने के बाद उसके विगत पाप कर्मों का भार ग्रहण करना पड़ता है, फलस्वरूप पापों से बोझिल हो जाने के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है, पूरी तरह नहीं तो आंशिक रूप से। अतएव शिष्य को चाहिए कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद पाप कर्म करने के प्रति सतर्क रहें। बेचारा गुरु शिष्य को स्वीकार करते समय अत्यंत कृपालु रहता है और शिष्य के पाप कर्मों को अंशतः भोगता है, किंतु भगवान अपने दास पर कृपालु होने के कारण उस दास के पाप कृत्यों के फलों का निराकरण कर देते हैं, जो उनकी महिमा का प्रचार करने में लगा रहता है। माता गंगा भी लोगों के पापों के फलों से भयभीत होने के कारण चिंतित थी कि वे इन पापों के भार को किस तरह वहन कर सकेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है। गुरु महाराज, जय प्रकाश, जय पताका स्वामी महाराज, जो हमारे गुरु हैं, रूपात के शिष्य, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, जी ये कितना कष्ट भोग रहे हैं। ये सब कष्ट बहुत ही, उनका शरीर बहुत ही स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट, बहुत हट्टे कट्टे शरीर के थे वो, तो उनके उन उनके ऊपर अटैक हुआ था एक, तो ये जो फल उनको मिले, पूरे उनका लीवर खराब हो गया, उनकी किडनी खराब हो गई, दोनों इतके साथ साथ उनको कष्ट होते रहते हैं। ये क्यों? क्योंकि इतने शिष्य, सबसे ज्यादा शिष्य उन्हीं के हैं। रूपात ने उनको कहा था कि 50,000 शिष्य बनाओ, बना चुके हैं 50 से ऊपर। उसमें शिष्य ने, अगर वो कहते हैं आपको 16 माला जपो, ये तो आपको, आपने उनके सामने जब आप दीक्षा लेते हैं, आपने शपथ ली है कि मैं 16 माला जपूंगा, मैं 4 पाप कर्म कभी नहीं करूंगा, मैं लहसुन प्याज चाय कॉफी नहीं का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, ये
सब इम्प्लाइड है आपके, हालांकि ये नहीं कहा, आपसे तो खाली स्वर्णमाला की बात होती है, उससे सब चीजें ये साथ साथ आती। अगर मैं नहीं जपा स्वर्णमाला, मैंने किसी दिन जपा ही नहीं, उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है। ये बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली है और नहीं फॉलो करते हैं, तो उसका फल उनको नहीं गुरु को मिलता है जिसने उनको दीक्षा दी। तो ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये होता है। श्री तो गंगा कह रही है कि इतने पाप को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, दो चीज का निराकरण करो। एक तो गंगा को रोकने के लिए कोई मनुष्य चाहिए ऐसे, तो भगीरथ के दिमाग में तो एकदम शिव जी आ गए। शिव जी इतने शक्तिशाली हैं कि वो गंगा को अपने पर ले सकते हैं। दूसरा दूसरा क्या अर्थ बताते हैं, बहुत सुंदर वर्णन सुनिए। श्री भागीरथ वाचा साधो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्टा लोक पावना हरंति अघम ते अंग संगा ते सुस्ते ही अगभित हरि मेरे साथ। श्री भागीरथ वाचा श्री श्री भागीरथ वाचा श्री भगीरथ वाचा साधवो न्यासिनः शांता साधवो न्यासिनः ब्रह्मिष्ठा शांता लोक पावना ब्रह्मिष्ठा लोक सुनिए क्या कह रहे हैं। ये भगीरथ कह रहे हैं, हरंति अघम ते अंग अंग संगात अंग तेसु तेसु आस्ते ही अगत हरि ही। शब्दार्थ है श्री भगीरथ वाचा, भगीरथ ने कहा साधव संत पुरुष, सुनिए संत पुरुष न्यासिनः सन्यासी जन शांता शांत भौतिक झंझटों से मुक्त जो है भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त, ब्रह्मिष्ठा वैदिक शास्त्रों के अनुष्ठानों का पालन करने में पटु, लोक पावना पतित अवस्था से लोगों का उद्धार करने में संलग्न, जो इस पर लगे हुए हैं, जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद के शिष्य हैं बहुत सारे भक्त लोग और भी होंगे इस्कॉन के जो शुद्ध हो चुके हैं, भरंती दूर करेंगे अगम पाप के फल ते तुम्हारा गंगा का अंग संगात गंगा जल में नहाने से तेसु अपने में आस्ते है ही निसंदेह अगवित सारे पापों को हरने वाले हरि भगवान। मेरे साथ पढ़िए, भगीरथ ने कहा भगीरथ ने कहा जो भक्त के कारण जो भक्त के कारण संत प्रकृति के हैं, संत हाँ भक्ति से शुद्ध हो जाता है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त सन्यासी बन चुके हैं, और भौतिक इच्छाओं से मुक्त सन्यासी बन चुके हैं, तथा जो वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन करने में पटु हैं, तथा जो वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन करने में पटु हैं और शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त हैं, वे सर्वदा महिमा मंडित हैं, वे सर्वदा महिमा मंडित हैं, और शुद्ध आचरण वाले हैं, और शुद्ध आचरण वाले हैं, तथा सभी पतितात्माओं का उद्धार करने में समर्थ हैं, तथा सभी पतितात्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। जब ऐसे शुद्ध भक्त जब ऐसे शुद्ध भक्त आपके जल में स्नान करेंगे तो आपके जल में स्नान करेंगे तो अन्य लोगों के संचित पापों के फलों का अन्य लोगों के संचित पापों के फलों का निश्चय ही निराकरण हो सकेगा, निश्चय क्योंकि ऐसे भक्तगण
क्यों किए ऐसे ऐसे भक्तगण? भगवान को उन उन भगवान भगवान को अपने को अपने हृदय में सदा धारण करते हैं, हृदयों में हृदयों में धारण सदा करते धारण हैं, करते हैं, जो सारे पापों से को दूर कर सक पाते जो हैं, सारे पापों जो को दूर सारे कर पापों सकते को दूर कर सकते हैं। हैं। हाँ, भगवान का ऐसा भक्त, शुद्ध भक्त, कि गंगा में स्नान करेगा तो गंगा के जो उसमें क्या कहते हैं अशुद्धियां आ गई, जो लोगों ने अपने पाप कर्म गंगा में त्यागे हैं उनको अपने में ले लेता है, क्योंकि वो उनको खत्म कर सकता है, भगवान का शुद्ध भक्त। इसलिए गंगा में हम जाते हैं गंदगी फैलाने, भगवान का भक्त जाता है उस गंदगी को अपने में लेने के। ये इतनी इतनी बड़ी बात है, तात्पर्य माता। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य लीला प्रभुपाद जी के द्वारा, लीला प्रभुपाद जी की जय। माता गंगा स्नान के लिए सबों को सुलभ है, अतएव गंगा जल में न केवल पापी लोग स्नान करेंगे अपितु तो हरिद्वार तथा अन्य तीर्थ स्थलों में जहाँ से होकर गंगा बहती है, संत जन तथा भक्तगण भी गंगा जल में स्नान करेंगे। भक्तगण तथा सन्यासी जन गंगा तक का उद्धार कर सकते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभ्यता। क्योंकि संत भक्तजन सदैव भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, अतएव वे तीर्थ स्थानों को सारे पापों के फलों को पूरी तरह धोकर शुद्ध कर सकते हैं। अतएव सामान्य लोगों को चाहिए कि संत पुरुषों का सदैव आदर करें। ऐसा आदेश है कि किसी भी वैष्णव या सन्यासी का दर्शन होने पर उनका तुरंत आदर किया जाए। यदि आदर करने में भूल हो जाए तो उस दिन उपवास रखा जाए। ये वैदिक आदेश है। मनुष्य को चाहिए कि भक्त या संत के चरण कमलों के प्रति अपराध करने से अत्यंत सतर्क रहे। यद्यपि प्रायश्चित की विधियां हैं, किंतु वे पापों के फलों को धोने में अपर्याप्त है। मनुष्य केवल भक्त के द्वारा सारे पापों के फलों से छूट सकता है। जैसा कि अजामिल की कथा में कहा गया है, ये चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम दुन्वन्ति कार्तनेयन निहारम इव भास्करः। केवल ऐसा व्यक्ति जिसने कृष्ण की अनन्य भक्ति ग्रहण की होती है पाप कर्म रूपी खर पतवारों को समूल नष्ट कर सकता है, ताकि वे पुनः न उभर आए। जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत विनष्ट कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य भक्त के ऐसे के द्वारा ऐसा कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भक्त के प्रश्रय में रहता है और निष्ठापूर्वक उसकी सेवा करता है, तो भक्ति युग के द्वारा सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर सकने में समर्थ होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अरे तो ये धारयिष्यति ते वेगम, दूसरे का बता रहे हैं, एक का तो बता दिया, तो कि ऐसे संत पुरुष आप में स्नान करेंगे तो उस अशुद्धियों को ले लेंगे अपने में, तो गंगा शुद्ध हो जाएगी। अब जो वेग ऊपर से जो उन्होंने कहा कि कोई चाहिए जो इस वेग को, उसके लहरों को रोक सके। धारी सति ते वेगम रुद्र त्वाम रुद्र तु आत्मा शरीरिणाम यस्मिन् यस्मिन् ओतम इदम प्रोतम विश्वम साटी वतन तंतुषु। मेरे साथ धारी सति ते वेगम वेगम रुद्र तु आत्मा शरीरिणाम रुद्रस्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन् ओतम इदं प्रोतम यस्मिन् ओतम इदं प्रोतम विश्वं साटी वतन्तुषु। विश्वं साटी वतन्तुषु। शब्दार्थ है धारिये सति, धारण करेगा ते तुम्हारे बेगम तरुणों के बेग को रुद्र शिव जी, तू निसंदेह आत्मा परमात्मा शरीरिणाम समस्त शरीरधारियों का, यस्मिन् जिसमें ओतम देशांतर ताना इदम यह सारा ब्रह्मांड प्रोतम अक्षांश बना विश्वम सारा विश्व साटी वस्त्र इव सदृश तंतु सु डोरू में। मेरे साथ पढ़िए, जिस प्रकार वस्त्र के सारे डोरे लंबाई तथा चौड़ाई में गुथे रहते हैं,
जिस प्रकार सारे बोले लंबाई लंबाई चौड़ाई में रहते हैं, हैं उसी तरह यह समग्र विश्व उसी तरह उसी ये तरह समग्र अपने अक्षांश तथा देशांतरों सहित अपने अपने अक्षांश देशांतरों सहित भगवान की विभिन्न शक्तियों में स्थित है। भगवान की विभिन्न शक्तियों में स्थित है। शिव जी भी भगवान के अवतार हैं। शिव जी शिव जी भी भगवान भगवान के के अवतार हैं। कौन से अवतार हैं? अवतार सदाशिव रुद्रावतार। शिव जी भगवान हाँ के कौन से अवतार हैं? ग्यारह का अवतार गुणा अवतार। हाँ अतएव वे देवधारी जीव में अतएव परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। परमात्मा का परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने सिर पर वे अपने सिर पर आपकी वेगवान तरंग को धारण कर सकते हैं। आपकी वेगवान आपकी तरंगों को धारण कर तरंगों को धारण सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ, पहला जो सॉल्यूशन बताया, हल बताया, वह तो शुद्ध आत्माएं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो गंगा में नहाएंगे, वो तो हो गया। अभी शिव जी की बात तो कह दी उन्होंने, लेकिन शिव जी से बात नहीं हुई अभी। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण राधा रति माता जी। शिल हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात द्वारा तात्पर्य गंगा नदी शिव के सिर पर स्थित मानी जाती है। शिव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं, जो विभिन्न शक्तियों से संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.45 में शिव का वर्णन इस प्रकार हुआ है। चीरम तथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादिषु पुरुषं तमहं भजामि। जब दूध में जामन डाला जाता है तो ये दही में बदल जाता है, किंतु वास्तव में ये दही दूध के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री गोविंद भौतिक व्यवहार के उद्देश्य से शिव का रूप धारण करते हैं। मैं भगवान श्री गोविंद के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। शिव उसी प्रकार शिव भगवान है जिस प्रकार दही दूध में और मैं और नहीं भी है। भौतिक जगत के पालन हेतु ब्रह्मा शिव विष्णु तथा महेश्वर अर्थात शिव ये तीन अवतार हैं। शिव श्री विष्णु के तमोगुणी अवतार हैं। ये जगत प्रधानतः तमोगुणी है, इसलिए शिव की उपमा यहाँ विश्व के अक्षांश देशांतर से की गई है, जो वस्त्र के तानों बानों के समान होते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता में कहा गया ये तो भगवान दूध दही दही दूध है भी नहीं भी है। नहीं क्यों है? दही से दूध नहीं बन सकता। दूध का दही तो बन सकता है, दही का दूध नहीं बन सकता। ये उदाहरण है। तो भगवान जो विष्णु हैं वो दूध हैं और जो दही है वो शिव जी हैं। तो विष्णु शिव बन सकते हैं, शिव विष्णु नहीं बन सकते। ये मतलब है। तो शिव जी गुणा अवतार में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन गुणा अवतार हैं भगवान के। तो बहुत बड़े बड़े काम शिव जी करते हैं, महान शक्तिशाली हैं ये। लेकिन अभी शिव जी को पूछा नहीं उसने, भगीरथ अभी शिव जी के पास गया ही नहीं। गंगा को कहा, गंगा ने दो शर्तें रखी, एक तो वेग सहन करने वाला कोई होना चाहिए। उन्होंने कहा शिव जी हैं, धरती पर और कोई है ही नहीं जो वेग को ले सकता है। दूसरा कहा कि संत जन पग स्नान करेंगे गंगा में, गंगा पवित्र हो जाएगी। इति उक्त्वा सनिपो देवम तपसा अतोष यत् शिवम कालेन अल्पी अल्पी यशा राजन तस्य ईशः च आशु अतुष्यत। मेरे साथ इति उक्त्वा स नृपो देवम तपसा देवम तोषयन् शिवम्
अतोषयन् शिवम् कालेन अल्पीयसा राजन् तस्य ईषतः आशु अतुष्यत शब्दार्थ है इति उक्त्वा यह कहकर सह उस नृपः राजा भगीरथ ने देवम शिव को तपसा तपस्या द्वारा असो अतोशयन प्रसन्न किया। शिवम सर्व कल्याणकारी शिव को कालीन समय आने पर अल्पीयसा अल्पकालीन राजन हे राजा तस्य उस भगीरथ का ईसा शिव जी च निसंदेह आशु तुरंत अतुष्यत तुष्ट हो गए। आशुतोष शिव जी तपस्या की शुद्ध तपस्या खुश हो गए। ऐसा कहने के बाद भगीरथ ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। हे राजा परीक्षित हाँ सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं ना ये कथा। शिव जी शीघ्र ही भगीरथ से तुष्ट हो गए। तात्पर्य माता जी हरे कृष्ण ललिता माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। आश्वतुष्य शब्द शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जा रहा आश्वतुष्यत शब्द सूचित करता है कि शिवजी तुरंत तुष्ट हो गए, इसलिए शिवजी का अन्य नाम आशुतोष है। भौतिकवादी लोग शिवजी के प्रति इतने अनुरक्त इसलिए रहते हैं क्योंकि वे भक्तों के सुख दुख का विचार किए बिना तुरंत ही हर एक को वर दे देते हैं। यद्यपि भौतिकवादी लोग यह नहीं जानते हैं कि भौतिक सुख एवं दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, फिर भी वे सुख की कामना करते हैं और इसे तुरंत पाने के लिए शिवजी को पूजते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे भौतिकवादी लोग सामान्यतः अनेक देवताओं की विशेष रूप से शिवजी तथा माता दुर्गा की पूजा करते हैं। वे आध्यात्मिक सुख की कामना नहीं करते क्योंकि यह उनको लगभग अज्ञात है, किंतु यदि कोई सचमुच आध्यात्मिक सुख चाहता है तो वो उसे भगवान विष्णु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान चाहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च मा शुच। सारे धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम डरो मत। भगवत गीता 18.66 में कहा है। यह शिव जी आशुतोष हैं, भौतिक दे सकते हैं शिव जी आप भौतिक चीजें जो चाहो शिव जी कहें तथा सु तथा तो अरे भग यहाँ से मुझे जप करने दे शिव जी। और हाँ कोई अगर आपके कहें शिव जी के पास जाके मैं वैष्णव बनना चाहता हूँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, शिव जी की आंखें खुल जाएंगी। अरे ये कौन आया जो भक्ति मांग रहा है। हाँ गले लगा सकते हैं शिव जी आप, ऐसा मांगेंगे कूड़ा करकट मत मांगे, क्योंकि कूड़ा करकट मांगे माँ बाप से दादा से दादी से भौतिक जगत में मांगे कूड़ा करकट, भगवान से कूड़ा करकट कभी नहीं, शिव जी से कूड़ा करकट कभी नहीं, माँ देवी से कूड़ा करकट कभी नहीं। देवी से कहिए कि माया मुझे बहुत तंग कर रही, माँ इससे मुझे छुटकारा दिला दीजिए। ये शिव जी से कहिए मुझे वैष्णव बना दीजिए। तो ये तथेति यानी तथा इति तथेति राज्ञा अभीतं सर्वलोक हितः शिवः दधार अवहितो गंगा पाद पूत जलाम जला जलाम हरे। मेरे साथ तथा इति राज्ञा अभीतं सर्वलोकहितः शिवः दधार अवहितो गंगा
पादकूत जलाम हरे पादकूत जलाम हरे तथा एवमस्तु इति इस प्रकार प्रज्ञा अभिहितम राजा द्वारा कहे जाने पर सर्वलोकतः भगवान के सबों का कल्याण करने वाले हैं शिव। भगवान शिव ने तदार्थ धारण किया, अभितः ध्यान पूर्वक गंगाम गंगा को पादपूत जलाम भरे। भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने के कारण जिसका जल दिव्य रूप से शुद्ध है। मेरे साथ पढ़िए, जब राजा भगीरथ शिव जी के पास गए, जब जब राजा राजा भगीरथ भगीरथ शिव के पास के गए पास गए और उनसे गंगा की वेगवान लहरों को धारण करने के लिए प्रार्थना की, और उनसे और गंगा उनसे की गंगा वेगवान लहरों की को धारण करने के लिए प्रार्थना की, धारा लहरों प्रार्थना करने की प्रार्थना की तो शिव जी ने एवमस्तु कहते हुए प्रस्ताव तो शिव जी ने कहते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर स्वीकार लिया। स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने अत्यंत ध्यान पूर्वक तब उन्होंने उन्होंने अत्यंत ध्यान ध्यान पूर्वक पूर्वक गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया। गंगा गंगा को को अपने अपने सिर पर सिर पर धारण कर धारण कर लिया। लिया। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलने के कारण, क्योंकि भगवान क्योंकि विष्णु के भगवान अंगूठे से के अंगूठे निकलने से निकलने के कारण के कारण गंगा का जल शुद्ध करने वाला है। गंगा का गंगा जल का शुद्ध जल शुद्ध करने करने वाला है। वाला भगीरथः सा राजर्षिः निन्ने भुवन पावनी यत्र स्वपितृणां देहा भस्मी भूता श्मशेरते। मेरे साथ भगीरथः सा राजर्षिः भगीरथा सदाजर्षि भगीरथ निन्ने भुवन पावनी निन्ने भुवन पावनी भवन यत्र स्वपितृणां देहा यत्र स्वपितॄणां देहा भस्मी भस्मी भूता श्मशेरते। भस्मी भूता भूता श्मशेरते शब्दार्थ है भगीरथ। भगीरथ सह वह राज ऋषि संत राजा निन्ने ले गया या लाया भुवन पावनी सारे ब्रह्मांड का उद्धार करने वाली गंगा को यत्र जिस स्थान पर स्वपितृणाम अपने पितरों के देहा शरीर भस्मी भूता जलकर राख में स्म शरीर पे पड़े हुए थे। सगर के पुत्र की लाश साढ़। मेरे साथ पढ़े, महान एवं साधु राजा भगीरथ महान महान एवं एवं साधु राजा साधु भगीरथ राजा समस्त पतितात्माओं का उद्धार करने वाली गंगा को समस्त समस्त पतित आत्माओं का उद्धार पतितात्माओं का करने उद्धार वाली करने गंगा वाली जी को गंगा जी को पृथ्वी पृथ्वी पर उस स्थान पर ले गए, को उस स्थान पर ले गए जहां उनके पितरों के शरीर जहां उनके पितरों के शरीर भस्म होकर पड़े हुए थे। भस्म होकर पड़े हुए थे। गंगा गंगा तो गई और सब होते हुए उस स्थान से उसको धोते हुए ले गई, तो उनका कल्याण हो गया। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल देशतार में। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे।